नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्वेरी है वो है विद रिस्पेक्ट टू डिवोर्स लॉज एंड पर्सनल लॉज। तो देख लेते हैं आज की क्वेरी क्या है। तो ये कह रहे हैं कि आई हैड फाइल्ड डिवोर्स अगेंस्ट माय हस्बैंड एंड इन लॉज फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एज दे नेवर वांटेड मी टू डू जॉब। ऑल्सो माई फादर इन लॉ यूज टू टच मी इन अप्रोप्रिएटली। आई हैव वॉइस रिकॉर्डिंग माई साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शंस एंड फोटोज दैट शोज आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड फिजिकली। बट इन दिस कोर्स ऑफ टाइम आई रैन अवे एंड स्टार्टेड माई करियर एंड वॉज कमिटेड टू अ मैन हु इज ऑल्सो मैरिड। आई एम स्केर्ड इफ दे प्रूव माई एडल्ट्री, बट इट ऑल हैपन बिकॉज दे वायलेटेड मी। प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इफ आई कैन गेट माई स्त्री धन इर रिस्पेक्टिव ऑफ इन लॉज और माइन एलिमनी। तो इन शॉर्ट इनकी क्वेरी ये है कि इनको इनके इन लॉज के घर में काफी सताया गया था, इनको तंग किया गया था, इनको फिजिकली वायलेट भी किया गया था। ये कह रही हम मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को इन अप्रोप्रिएटली मेरे को टच करते थे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन उनके हस्बैंड उनके इन लॉज इन्हें परेशान करते थे, जिस वजह से अपने घर से भाग गई। और भागने के बाद अपने घर से इन्होंने अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी और वहां पर उनको शायद कोई फ्यूचर में अपनी लाइफ में शी फाउंड अ कंपेनियन विद हुम शी फेल इन लव विद। एंड अब इनको ये डर है कि चूंकि शी इज इन अ रिलेशनशिप विद अनदर मैन व्हाइल हर फर्स्ट मैरिज इज सब्सिस्टिंग, क्या इज शी एलिजिबल टू गेट स्त्रीधन एंड एलिमनी। इन शॉर्ट इनकी इनका मेन कंसर्न ये है कि चूंकि ये शादीशुदा है उसके बावजूद शी हैज एन अफेयर विद अनदर मैन हु इज ऑल्सो मैरिड। ये चीज अगर इनके इन लॉज को पता लग जाए, जो लेडी है इनके इन लॉज को पता चल जाए, तो विल दैट बी अ ग्राउंड जिस बेसिस पे वो स्त्रीधन या एलिमनी देने से रिफ्यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस पूरे क्वेरी का ये है दैट द लेडी इन ऑन वन हैंड शी वॉज वायलेटेड, उनको उनको शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। उनकी क्वेरी से पता लग रहा है दैट शी हैज बीन थ्रू अ लॉट। एंड ऑन द अदर हैंड वो शी इज इन अ रिलेशनशिप डिस्पाइट बींग मैरिड। तो पहले ये समझ लेते हैं वेदर बींग इन अ रिलेशनशिप डिस्पाइट बींग मैरिड वेदर इट्स एन ऑफेंस, और अगर लीगली इसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है। तो एज वी ऑल नो एडल्ट्री मतलब इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव रिलेशनशिप विद समवन हु इज नॉट योर पार्टनर। मान लीजिए ए एंड बी दे आर मैरिड और ए हैज अ रिलेशनशिप विद सी, दैट इज एडल्ट्री। तो whether adultery is an offense, no it's not, it has been decriminalized. So in that sense she is not committing any offense if she has an affair outside her marriage. But adultery is a ground for divorce lene ke liye adultery jo hai that is a ground. Aur generally aisa dekha gaya hai ki jab adultery ka question aata hai to jo maintenance aur alimony ka issue hota hai that definitely gets affected, because if the party who's committing adultery, in this case जैसे wife ये adultery commit कर रही है, तो there is no offense that she is committing as such, but अगर alimony का issue आए तो alimony के issue में it will definitely get affected। हो सकता है कि उनकी alimony उन्हें घटा के दी जाए या बिल्कुल ही ना दी जाए, because she is committing adultery and that is a ground for divorce. Now यहां पर एक चीज बड़ी relevant है, ये जो lady है ये कह रही है कि मेरे को इस हद तक वायलेट किया गया था, इस हद तक मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस और फिजिकल अब्यूज इस हद तक था कि आई वॉज फोर्स टू रन अवे फ्रॉम माई होम। अब ये जो इशू है दिस बिकम्स एन इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज अगर किसी को भी इतना परेशान किया जाए दैट शी इज फोर्स टू रन अवे फ्रॉम हर होम एंड वंस शी इज आउट ऑफ हर होम शी डेफिनेटली हैज अर लाइफ। लाइफ डज नॉट मीन, जो लाइफ होती है इसका मतलब ये नहीं कि हम जानवरों की एक एग्जिस्टेंस हो, लाइफ डज नॉट मीन बेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। लाइफ के कई पहलू होते हैं, लाइफ में आपको कई चीजें अप्रिशिएट करने का भी जो राइट होता है दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, वो एक बेसिक ह्यूमन राइट के अंडर आता है। तो इन दिस केस इफ शी हैज रन अवे फ्रॉम हर होम इन अ सिचुएशन जहां पर कि उनके इन लॉज उन्हें इतना परेशान कर रहे हैं, तो शी हैज अ राइट टू यू नो फाइंड अ कंपेनियन फॉर हर सेल्फ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बेसिक ह्यूमन राइट। आपको अपनी लाइफ में अगर कंपेनियनशिप अपने हस्बैंड से नहीं मिल रहा है तो यू विल डेफिनेटली यू नो दैट इज
वन ऑफ द वेरी बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की वो कंपेनियनशिप ढूंढते हैं. सो इन दिस केस दिस लेडी इवन दो शी इज कमिटिंग एडल्ट्री, मुझे लगता है इफ फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड प्रॉपरली बिफोर द कोर्ट, बिकॉज कोई भी मैटर, कोर्ट्स कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि हम फैक्ट्स डालते हैं, लॉज डालते हैं और जजमेंट आ जाती है. कोर्ट्स आर अ प्लेस जहां पर एक ह्यूमन टच होता है, जो जज बैठे हैं ही इज अ ह्यूमन बींग, और हर केस को अपने यूनिक फैक्ट्स पे डिसाइड किया जाता है. लाइक इन दिस केस द फैक्ट्स नीड टू बी प्रेजेंटेड इन अ वे कोर्ट में कि लुक एट द इनजस्टिस दैट वॉज कॉज टू द लेडी. उनको उनके फादर इन लॉ ही हैड टच्ड इनअप्रोप्रिएटली, हस्बैंड एंड इन लॉज दे वर टॉर्चरिंग हर, एंड इट वॉज अंडर दिस सर्कमस्टेंस दैट शी वॉज फोर्स्ड टू लीव हर होम, अपना घर छोड़ करके नाउ शी हैज फाउंड अ कंपेनियन एंड हर लाइफ इज कंप्लीट विद हिम. सो इफ फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर, मेरे को नहीं लगता कि यू नो जो एलिमनी वाला इशू है दैट शुड इट ऑल बी यू नो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा. बट ऑफकोर्स जो केसेस होते हैं दे आर डिसाइडेड नॉट एज पर इमोशंस एंड यू नो प्रेजुडिसेस, दे आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड लॉ. बट ऑफकोर्स कोई भी मैटर जो डिसाइड होता है उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द जज. तो केस को प्रेजेंट करने वाली बात है, इसको अगर ठीक से प्रेजेंट किया जाए एंड द जज ही इज कन्विंस्ड दैट ग्रेव इनजस्टिस हैज बीन कॉज टू दिस लेडी, आई एम श्योर एलिमनी वाला जो इशू है वो कुछ हद तक उसको ठीक किया जा सकता है. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. उम्मीद करता हूं दैट यू फाउंड दिस डिस्कशन हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. अगर आपको लगता है कि इससे किसी को फायदा हो सकता है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू नो पीपल हु वुड गेन आउट ऑफ इट, बिकॉज द इंटेंशन ऑफ हैविंग दीज डिस्कशन इज कि वी क्रिएट अ लीगली अवेयर कम्युनिटी. अगर हमें अपने राइट्स की अपनी ड्यूटीज का पता हो, लीगली जो चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं उन चीजों का पता हो कि उसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, अ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी. So with that, I take your leave, friends. Until next time, stay safe and goodbye.